हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और आपको बताएं कि धरना जलसे में बदल गया, अब धरना नहीं जलसा होगा। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान अवामी तहरीक को इस्तांबुल चौक मॉल रोड लाहौर पर जलसे की इजाजत दे दी है। अदालत ने रात 10 बजे तक मॉल रोड पर जलसे की इजाजत दी है। नुमाइंदे मियां दाऊद से, मियां दाऊद अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, अदालत ने एग्जैक्टली क्या इजाजत दी है? जी, लाहौर हाईकोर्ट ने अवामी तहरीक को आज रात 10 बजे तक माल रोड इस्तांबुल चौक के ऊपर जलसा करने की इजाजत दे दी है। आज लाहौर हाईकोर्ट के रूबरू ताजर माल रोड के ताजर नई मीर ने यह दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जिस पर अदालत ने पंजाब हुकूमत को और अवामी तहरीक के वकला को हदायत की कि वो बाहमी रजामंदी से इस मसले का हल निकालें कि जो है वो ट्रैफिक जो है वो भी मुतासर ना हो और जो सिक्योरिटी प्लान है उसके मुताबिक हुकूमत के तहफुजात जो है उनको भी मद्देनजर रखा जाए। अदालती हुक्म पर एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें अवामी तहरीक के नुमाइंदे जो है वो भी शामिल थे। अवामी तहरीक के वकला ने डॉक्टर तारुल कादरी से हदायत लेने के बाद अदालत को इस बात की यकीन दहानी कराई कि अवामी तहरीक जो है वो माल रोड पर धरना नहीं देगी बल्कि जलसा करेगी और ये जलसा जो है